गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां जय मां जय मां। अब जो पिछली बार जिसने पूछा था सवाल मौन के बारे में कि एक पूरा दिन मौन रखें तो कैसे, उन्होंने ही पूछा है ये दूसरा सवाल कि मौन जो 8:45 से 9 बजे तक होता है सब जगह पूरे विश्व में होता है एक्चुअली, तो वो कैसे करें, वो मौन कैसे करें, क्या हम राम राम कर सकते हैं या पूरा मौन गृहस्थियों के लिए। ये तो वही है, वही सवाल है जो रिपीट आपने किया है, मौन यानी मौन। उसमें कोई ऐसी आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ये प्रश्न आपने दोबारा पूछा है, और इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया है आपको समझाने के लिए कि थोड़ा है ना हमें अपने आप से भी सोचना है। ये नहीं कि हमेशा सवाल पूछते जाएं आप और रेडीमेड आंसर जवाब आपको मिले, उससे कोई फायदा नहीं। अब पूरा मौन का विस्तार से मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, करेक्ट, और दोबारा अब आप वही पूछ रहे हैं कि 8:45 से 9 हम क्या करें, राम राम करें या क्या करें। बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कौन सी दुविधा है। मनोमन में आप जब भी कर सकते हैं। कई लोग जो है वो माला लेके बैठते हैं और पूरे 15 मिनट वो लोग जब करते हैं। आइडिया यही है ना कि साइलेंस रखनी है, अंदर बातें नहीं करनी है या कुछ और कोई चीज के बारे में सोचना नहीं है, सिवाय भगवान के और कुछ नहीं करना है। तो अगर आप कंप्लीट ऐसे साइलेंस में नहीं रह सकते हैं, आप राम राम करो या कुछ भी करो, पर अगर तो आप राम राम कर रहे हो या अगर तो आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं है, वो आपका खुद का गुह्य चीज है। वो बताने से क्या होता है, वो फैल जाता है, फिर उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है कि आपको फायदा हो। गुह्य चीजें हैं ये, जो आपका इष्ट है या जो आपके, अगर आपके पास मंत्र है कोई, उसको बताना नहीं है, उसको लिख के भी नहीं देना है। जैसे आपने मुझे बोला है कि मैं ये करूं या वो करूं, जो भी आपका इष्ट मंत्र है या जो भी है अगर आपको मिला है तो आप जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गुप्त। पहले भी कई बार मैंने वीडियोस में बताया है कि जैसे वो बीज आपने बोया धरती में, मिट्टी में आपने बीज बोया, उस पर आपने पानी डालना, पानी डालना यानी उसको जप करना है, तभी वो वृक्ष बनेगा बाद में। पर अगर वो बीज बोने के बाद आपने उसको मट्टी हटा के रोज देखने लगे कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ, तो वो बढ़ेगा, वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो आपको बताना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं, आपको खुद से करना है चुपचाप। और अगर नहीं करना है और एकदम साइलेंस में रहना यानी मेडिटेशन ध्यान में रहना है, वो भी ठीक है। कई लोग ऐसे समूह में बैठते हैं, कई लोग साथ में बैठ जाते हैं और 8:45 से 9 मौन करते हैं। हम लोग करते थे आश्रम में, 8:45 से 9 सब लोग ऐसे बैठ जाते थे पंडाल में या जहां भी, जब स्वामी भास्करान जी थे तो उनके कमरे में जाके हम लोग बैठ जाते थे, उनके साथ हम लोग मौन करते थे। वो बात ही कुछ अलग है, वो पूरा वायुमंडल बदल जाता था उनके वाइब्रेशन से, उनकी उनकी उपस्थिति से सबको लाभ मिलता था। बहुत ही पावरफुल है ये समय 8:45 से 9, ये अखंड मौन हो रहा है। जैसे पहले भी मैंने बोला था कि हम लोग हिंदुस्तान में 8:45 से 9 करते हैं, और जहां भी लोग हैं 8:45 से 9 करते हैं शाम को, तो उनकी उनकी सुबह होती है, हमारी शाम होती है, जब हमारी शाम होती है उनकी सुबह होती है, टाइम चेंज होता है ना। तो ये हर जगह मौन जो हो रहा है 8:45 से 9, ये अखंड मौन हो रहा है, कोई त्रुटि नहीं है, सुबह से रात तक मौन हो ही रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम है, अलग अलग होता है ना, सुबह रात दोपहर शाम अलग टाइमिंग्स होते हैं,
पर वो लोग सब कौन इन से नो करते, इसीलिए अखंड है। तो बहुत ही पावरफुल है ये समय, उसमें आप कुछ भी करो पर मौन रहो और भगवान को याद करो या ध्यान करो। आइडिया तो वही है जो पहले भी मैंने बताया, एकांत में बैठो या समूह के साथ बैठते हो तो सब लोग मौन कर रहे हो, वैसे लोगों के साथ बैठो और करो। समझ गए ना आप? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है? क्योंकि बार बार वही प्रश्न पूछने में कोई मतलब ही नहीं है ना। क्षमा ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यम नमो नमः। जय मां, जय मां, जय मां।